दोस्तों, कल इंडिया पर वीवो अपना V25 सीरीज के अंदर दोनों स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। एक है V25 Pro और भी एक है V25। दोस्तों, V25 का इनिशियल अनबॉक्सिंग लीक हो गया है, मतलब इस फोन का 100% स्पेसिफिकेशन आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल कॉन्फर्म स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और इस फोन का प्राइस रेंज क्या होने वाला है, ऑफर में क्या आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। वीडियो को लाइक देकर स्टार्ट कीजिए, अंत तक देखिए। और इस तरह का मोबाइल अनबॉक्सिंग, रिव्यू, ऑफर रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, V25 का डिस्प्ले का सेक्शन पर आपको 6.44 इंच का एमोलेड पैनल, FHD+, 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। और इस फोन का जो प्रोसेसर का सेक्शन है, प्रोसेसर का सेक्शन पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी का 900 प्रोसेसर, 5G वाला प्रोसेसर, 6MAH प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, इधर जो प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज में इस फोन के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है डिस्प्ले का सेक्शन पर। आपको इधर एटलीस्ट रिफ्रेश रेट 120Hz देना चाहिए था, और प्रोसेसर का सेक्शन पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी का 920 एटलीस्ट देना चाहिए था, क्योंकि 900 का जो प्रोसेसर है थोड़ा पुराना प्रोसेसर हो गया है। और इधर देखिए, जो मी का है हाइपर चार्ज वाला जो मॉडल है, बा मी 11i वाला जो मॉडल है, बहुत पहले लॉन्च हुआ है 920 डायमेंसिटी का प्रोसेसर के साथ, और उसका प्राइस भी इस फोन से बहुत ज़्यादा कम है। प्राइस में बाद में बोल रहा हूँ। और इस फोन का जो कैमरा का सेगमेंट है, कैमरा का सेगमेंट एक ठीक ठाक है, क्योंकि आपको बैक सेक्शन पर ट्रिपल कैमरा मिलता है, 64MP का मेन कैमरा, OIS का आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, OIS एंड EIS का सपोर्ट आपको मेन कैमरा पर देखने के लिए मिल जाएगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड है एंड 2MP का यूजलेस मैक्रो कैमरा है। और आपको फ्रंट में इधर वाटर ड्रॉप नॉच नहीं है, यू ड्रॉप नॉच, मतलब और भी ओल्ड क्वालिटी का नॉच का क्वालिटी आपको इधर देखने के लिए मिलता है। और इधर आपको 50MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा का क्वालिटी तो ठीक ठाक है, बट वाटर ड्रॉप भी नॉच भी नहीं, इधर यू ड्रॉप वाला नॉच आपको देखने के लिए मिलता है। और अभी 5 होल का जमाना चल रहा है, और इस फोन का जो प्राइस रेंज है वो भी काफ़ी हाई है, आपको 30,000 पर देखने के लिए मिल जाएगा। बेस वेरिएंट होने वाला है 8GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी, और इधर मेमोरी टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा UFS 2.2, एंड रैम टाइप आपको देखने के लिए मिल जाएगा LPDDR4X। और दोस्तों, और भी एक वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा 12GB रैम के साथ, 256GB इंटरनल मेमोरी। और दोस्तों, इस फोन का जो बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट का प्राइस एटलीस्ट होने वाला है 30,000 रुपीज, या दोस्तों 29,999 रुपीज, और ऑफर के साथ आपको 27,999 रुपीज, मतलब 28,000 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 2,000 का आपको बैंकिंग का सेक्शन पर ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा, और एक्सचेंज में भी आपको ऑफर देखने के लिए मिलेगा। बट इस फोन का जो बैटरी का सेगमेंट है, बैटरी का सेगमेंट आपको ठीक ठाक ही है, 4,500 mAh का है, क्योंकि फोन बिल्कुल स्लिम टाइप का फोन है। और आपको बॉक्स में 44W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब इन बॉक्स आपको चार्जर भी देखने के लिए मिल जाएगा। टाइप सी कनेक्टिविटी है, सिंगल स्टीरियो स्पीकर है, आपको बॉटम सेक्शन पर देखने के लिए मिल जाएगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको फ्रंट पर देखने के लिए मिलेगा, और बैक सेक्शन पर आपको ग्लास बिल्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा, पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी मिलेगा, और बॉक्सी टाइप का डिजाइन होगा और स्लिम होगा। दोस्तों, इस फोन का जो प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज के मुताबिक इस फोन का जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर थोड़ा कम गया है, क्योंकि 920 वाला प्रोसेसर एटलीस्ट देना चाहिए था, और 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 5 होल वाला डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करना चाहिए था, क्योंकि इस फोन का जो प्राइस है काफी हाई है, और ऑफर के साथ भी इस फोन का प्राइस हाई पर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, लॉन्च होने के बाद मैं एक फीडबैक लेके आऊंगा, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा इस फोन को लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।